अब हम बात करेंगे 1861 काउंसिल एक्ट। तो एंटी 1861 के काउंसिल एक्ट के क्या क्या फीचर हैं? तो इसमें सबसे पहले जो है नॉन गवर्नमेंटल, मतलब सरकार के, नॉन गवर्नमेंटल सरकार के प्रतिनिधि चुनने का यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया। यानी कि इसमें जो है आपको पहले जो 6 कैबिनेट जो था, गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो 6 मेंबर होता था, इस मेंबर को और बढ़ा दिया गया। और जो मेंबर बढ़ाया गया, इसको बढ़ाने के बाद जो है उसको नॉन गवर्नमेंट मेंबर जो है उसको कह दिया गया कि ये जो है गैर सरकारी सदस्य है, गैर सरकारी सदस्य के तौर पे जो है बढ़ा दिया गया। 3 मेंबर को वायसराय के काउंसिल में जो है जगह दी गई। 1857 के बाद जो वायसराय यानी कि सचिव का पद जो स्थापित किया गया था, तो अब फिर जो गवर्नर जनरल के पास जो पावर था वो सब वायसराय के पास में दे दिया गया। विधायी शक्ति और कार्यपालक शक्ति सब कुछ वायसराय के हाथ में आ गया। तो 1861 में क्या हुआ, काउंसिल एक्ट इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है इसमें जो है इंडिया के कुछ लोगों को इसमें जो है प्रतिनिधि दिया गया। ठीक है, वो भी सिर्फ जो है कठपुतली टाइप के लोग को ही जो है चुना गया है। वो बनारस के राजा को चुना गया था, पटियाला के राजा को, और सर दिनकर राव। ठीक है, इसमें 3 लोगों को चुना गया था काउंसिल एक्ट में, वायसराय के काउंसिल में 3 लोगों को चुना गया था। इसका फीचर ये है कि बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, इनको चुना गया था। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब फिर क्या हुआ इसमें कि लेजिस्लेटिव पावर जो है, पहले जो 1700 आपने 73 में आपने देखा था कि सबसे पहले 1773 में क्या था कि हर गवर्नर को जो है अपने अपने एरिया का अपना लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन करने का पावर था। लेकिन 1833 में क्या किया, गवर्नर जनरल के हाथ, गवर्नर जनरल को सबऑर्डिनेट कर दिया, बम्बई को और मद्रास को सबऑर्डिनेट कर दिया। किसके? बम्बई और गवर्नर, बम्बई और मद्रास को सबऑर्डिनेट कर दिया बंगाल के। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से काउंसिल बनने के बाद क्या होता है कि बंगाल को और मद्रास को और बम्बई को, सॉरी मद्रास को, बम्बई को फिर से जो है उनको लेजिस्लेशन करने का पावर दे दिया जाता है, यानी कि उनको विधि बनाने का पावर दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब फिर कुछ जैसे बंगाल हो गया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया और पंजाब हो गया, यहाँ पे जो है एक काउंसिल का निर्माण किया जाता है, सदन का निर्माण किया जाता है, विधान परिषद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, विधान परिषद का निर्माण किया जाता है बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, पंजाब में। 1862 में बंगाल में, 1866 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और 1897 में पंजाब में किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो अध्यादेश पास करने का जो पावर था, ये अध्यादेश पास करने का पावर पूरी तरीके से जो है ये वायसराय के पास था। ठीक, ये फीचर था 1861 के काउंसिल एक्ट का।